स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम उर्दू का समर ब्रेक स्टार्ट करेंगे और देखते हैं सबसे पहले क्या है। सबसे पहले है नज़म, उसके कुछ अशआर मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी और आप बाकी अशआर को खुद घर में पढ़ने की जो है प्रैक्टिस करेंगे। नज़म है उर्दू ज़ुबान हमारी, यारब रहे सलामत उर्दू ज़ुबान हमारी, हर लफ्ज़ पर है जिसके कुर्बान जाँ हमारी। मिस्री सी तोलता है शक्कर सी घोलता है, जो कोई बोलता है मीठी ज़ुबान हमारी। ये सारी उर्दू ज़ुबान के बारे में नज़म है, आपने इसको घर में पढ़ना है, गौर से पढ़ना है, ताकि आपको जो पढ़ने की सलाहियत है वो बेहतर से बेहतर हो सके। अब हम अगले पेज पे देखेंगे कि उर्दू ज़ुबान के बारे में ही एक पैराग्राफ दिया गया है जो कि जिसे तफहीम इबारत कहते हैं, उसको हम पढ़ेंगे, जिसके मैं आपको पढ़ना सिखाऊंगी और फिर उसके बाद आखिर पे उसके सवाल के जवाब मैं आपको बताऊँगी कि सवाल के जवाब कैसे देने हैं। सबसे पहले मैं आपको पैराग्राफ पढ़ के बताऊँगी। मुख्तलिफ बामाइनी अल्फाज और इशारों का मजमूआ जिससे मकसद या ख्वाहिश समझ में आ जाए ज़ुबान कहलाता है। मुसलमान ताजरों, अरब, ईरान, तुर्की और दूसरे इस्लामी मालिक से ताल्लुक़ रखने वाले सिपाहियों और अहले इल्म फ़न की हिंदुस्तान में आमद ही उर्दू ज़ुबान की इब्तदा का ज़रिया बनी। उर्दू तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मफहूम है लश्कर की ज़ुबान। उर्दू ज़ुबान में अरबी, फ़ारसी, अंग्रेज़ी, तुर्की, पश्तो, बलोची, हिंदको, सराइकी, यूनानी और हिंदी ज़ुबानों के बहुत से अल्फाज शामिल हैं। जैसे मैंने आपको पढ़ के बताया, इसी तरह आप पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे और आप फिर हम अगले देखते हैं कि अगले सफ़े पे सवालात दिए गए हैं। सवालात क्या हैं? ज़ुबान किसे कहते हैं? जैसे कि पैराग्राफ में हमने पढ़ा, मुख्तलिफ बामानी अल्फाज और इशारों का मजमूआ जिससे मकसद या ख्वाहिश समझ में आ जाए ज़ुबान कहलाता है। उर्दू किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? उर्दू तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है। उर्दू का मफहूम क्या है? उर्दू का मफहूम जैसे कि आपने पैराग्राफ में पढ़ा, लश्कर। सवाल नंबर 4 है, किसने उर्दू को पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान करार दिया? अजीम रहनुमा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उर्दू को पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान करार दिया। सवाल नंबर 5 है, किसी मुल्क की कितनी कौमी ज़ुबानें हो सकती हैं? किसी भी मुल्क की सिर्फ एक ही कौमी ज़ुबान हो सकती है। सवाल नंबर 6 है, उर्दू की मुरवज्जा हरूफ़ तहजी की तादाद कितनी है? अगर आपने पैराग्राफ गौर से पढ़ा है तो आपको पता चलेगा कि उर्दू की मुरवज्जा हरूफ़ तहजी की तादाद 52 यानी 52 है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनेस्को के मुताबिक दुनिया की 3 बड़ी ज़ुबानों के नाम तरतीबवार बताएँ। इसकी दुनिया की तरतीबवार ज़ुबानों के नाम सबसे पहले है चीनी, फिर है अंग्रेज़ी और उसके बाद है उर्दू। उम्मीद है कि आप पैराग्राफ को गौर से पढ़ेंगे और फिर सवालात के जवाब जो हैं वो सवालात के मुताबिक ही देंगे कि सवाल क्या पूछता है और हमने जवाब क्या देना है। अपना ख्याल रखिएगा, बार बार पढ़िएगा, बार बार लिखिएगा और पढ़ने की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।